तो जिसे आप प्यार कह रहे हैं वो खुशी का एक खास पल है। अगर प्यार सच्चा है तो वो बिना किसी चीज के होगा। जीवन में हर घड़ी आपको उस खुशी को जानना होगा। आपको लगातार प्यार में पड़ना चाहिए हर चीज के साथ। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके हिसाब से प्यार होता क्या है। अगर आपको एक औरत से प्यार हो गया, या एक पक्षी से, एक चींटी से, एक पेड़ से, या किसी से भी, तो वो प्यार किसी चीज की वजह से नहीं होता। आप बस प्यार में होते हैं। पर अगर आपको लगातार सिर्फ औरतों से ही प्यार हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्यार आपके हॉर्मोन्स की वजह से। बेहतर है कि आप ये समझ लें। तो जो किसी चीज की वजह से है, आप उसे प्यार का नाम देना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें प्यार बिल्कुल नहीं है। प्यार है, पर क्या सच्चा है और क्या नहीं है, इसे आप इस आधार पर तय नहीं कर सकते कि क्या कारण था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये इस पर है कि आपने कैसा महसूस किया। चाहे शादी करके आपको यह एहसास हुआ कि यह प्यार नहीं था, या शादी नहीं हो पाई और आपको लगा कि आपका यह प्यार सच्चा था जो पूरा नहीं हो पाया। ये आप पर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। पर असल में प्यार का मतलब है, अगर आपका शरीर बहुत खुश हो जाए तो आमतौर पर हम इसे सेहत और सुख कहते हैं। अगर आपका मन बहुत खुश हो जाए तो हम उसे शांति और आनंद कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं बहुत खुश हो जाएं तो हम उसे प्यार और करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जा बहुत खुश हो जाए तो हम उसे परमानंद और उल्लास कहते हैं। तो आप जिसे प्यार कह रहे हैं वो खुशी का एक खास पल है। अब आप मानते हैं कि किसी और ने आप में ये प्यार पैदा किया है। शायद किसी ने आपके अंदर प्यार की शुरुआत की हो या प्यार को प्रेरित किया हो, पर असल में ये आपकी भावनाएं हैं जो बहुत खुश हो रही हैं, जिसे आप प्यार कह रहे हैं। तो अगर प्यार सच्चा है तो वो बिना किसी चीज के भी होगा। अगर वाकई सच्चा प्यार है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी भावनाओं को बहुत मधुर बना लिया है। चाहे आपके सामने कोई आदमी हो या औरत हो, या पेड़ हो या चींटी हो या एक हाथी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बस अपनी भावनाओं को मधुर बना लिया है। हर वो चीज जिसे आप देखते हैं उसके लिए आप में एक खास मिठास है, यही प्यार है। अब लगातार ये 1, 2, 3, 4 महिलाओं से प्यार हो तो ये हॉर्मोन्स वाला प्यार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ गलत है, पर आपको इसकी सीमा को समझना होगा। अगर ये शादी के रूप में एक स्थायी संबंध बन पाए या जो भी, तो आपको लगता है कि प्यार सफल हुआ, वरना आपको लगता है कि प्यार असफल रहा। ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे खुशी तब होगी अगर आप 3 अरब महिलाओं के प्रेम में पड़े और बाकी 3 अरब पुरुषों को छोड़ मत दीजिएगा। अगर आप 3 अरब महिलाओं के प्रेम में पड़े तो वो हार्मोनल नहीं होगा, वो बस प्रेम होगा। मैं दुनिया की सारी महिलाओं के प्रेम में हूं, और पुरुषों के भी, और चींटियों के भी, और उस मिट्टी के भी जिस पर मैं चलता हूं, और उस पेड़ के जिसके नीचे अभी हम बैठे हैं। हर वो चीज जो आपको नजर आए आप में, उसके लिए भावनाओं की मिठास होनी चाहिए, वो प्रेम है। और प्यार किसी दूसरे के लिए नहीं होता, इसका मतलब है कि आप में मिठास है, सच्ची मिठास।